मध्य प्रदेश पुलिस पेंशनर्स संघ जिला इकाई नीमच द्वारा आज स्थानीय लायंस डैन परिसर में एक आयोजन आयोजित किया गया, जिसमें नवनियुक्त संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष एमपी सिंह परिहार के मार्गदर्शन में नीमच जिला कार्यकारिणी गठित की गई है। वहीं पेंशनर्स संघ की भावी योजनाएं भी प्रस्तुत की है। इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए पेंशनर्स संघ के प्रांतीय अध्यक्ष एमपी सिंह परिहार ने बताया कि पेंशन में आ रही समस्या के निराकरण को लेकर शासन द्वारा बुजुर्गों पेंशनर्स की ज्वलंत समस्याओं के लगातार अनदेखी की जा रही है, जिसके तहत मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 की 6 को समाप्त किया जाए, साथ ही जुलाई 2019 से केंद्रीय पेंशनर्स के अनुरूप राहत दी जाए, पेंशनर्स को निशुल्क चिकित्सा सुविधा दी जाए, लंबे समय से लंबित एरियर का भुगतान किया जाए, साथ ही अन्य विभिन्न मांगों को लेकर भी आज इस कार्यक्रम में रूपरेखा तैयार की गई है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, जब से मध्य प्रदेश बना और मध्य प्रदेश में पुलिस बनी थी, उस समय से लेकर अभी तक जो है पुलिस विभाग में किसी भी प्रकार कोई संगठन नहीं था। बताते हैं 78-79 में उस समय कोई एक यूनियन बनी थी, लेकिन वो भी साल दो साल चली और जो है वो अभी तक हम लोग एक्चुअली क्या है कि साथ सर्विस में रहते जो है अनुशासन का रोड़ा हमेशा अटकता रहा और हम लोगों ने किसी प्रकार कोई संगठन नहीं बना पाया। हमने ये विचार किया कि क्यों ना एक पुलिस का अलग से संगठन बनाया जाए, जिसमें जो है पुलिस की, पेंशनर्स की और दूसरे हितों की जो भी मांगें उठाई जाएँ। इस तारतम्य में जो है मैंने मध्य प्रदेश पुलिस पेंशनर संघ के नाम से जो है मध्य प्रदेश में जो है संगठन गठित किया और उसका जो है विधिवत जो है रजिस्ट्रेशन कराया गया है। उस रजिस्ट्रेशन के बाद जो है हमारे द्वारा जो है सभी जिलों में जो अभी तक जो है करीब 18-20 जिले जो है इसमें जुड़ चुके हैं, जिसमें आपका नीमच, मंदसौर, शाजापुर, रतलाम, उज्जैन, देवास और आपका इंदौर, उधर आपका टीकमगढ़, दमोह, पन्ना, छतरगढ़, निवाड़ी, सागर, ग्वालियर रेंज जो है ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, गुना, इस प्रकार से जो है 18-19 जिले आज तक इसमें जुड़ चुके हैं। हमारा मुख्य रूप से संगठन बनाने का यह था कि जो है अभी तक जो है हमारे पुलिस पेंशनर्स की जो है किसी प्रकार की जो शासन मांगे नहीं मानता था, नहीं सुनता था, उस संबंध में जो है हमको पुलिस पेंशनर की जो भी हमारी उचित मांगे हैं उनको उठाना है। खासतौर से जो है धारा 49(6) का जो आड़ जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार ले रही है उसको समाप्त की जाए। हमारा मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले 32 महीने का और 27 महीने का एरियर रोक रखा है, वो हमको नहीं दिया गया है। हमारे पुलिस पेंशनर्स की जो है निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए या फिर उनको आयुष्मान कार्ड मिल लिया जाए। इसके साथ साथ हमारे सामाजिक सरोकार के कार्य भी जो है हमने उसमें लिए हैं, जैसे आपका जो है नशा मुक्ति संबंधी शिविर लगाएंगे हम, जब हम जनता को जागरूक करेंगे, एड संबंधी जानकारी जो है जनता को देंगे, सामाजिक बुराइयाँ जो भी हैं उनको जो है जनता को जागरूक करके उनको बताएंगे। हमारे जो असहाय पेंशनर्स हैं, जैसे मान लो वृद्ध पेंशनर हो गए हैं, चल फिर नहीं पा रहे, अगर उनका कोई सहारा नहीं है तो हमारे इसमें से कुछ लोग जाके जो है उनकी मदद करेंगे। और हमारी जो है फैमिली पेंशन है, मान लो कोई अकेली महिला है, उसका पति एक्सपायर हो गया जो पुलिस में था, महिला को पेंशन मिल रही है, उसका अगर कोई किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उसका निदान करेंगे। इस तारतम्य में जो है आज हमारा इस मंदसौर का नाम नीमच में जो है आज यहाँ कार्यकारिणी गठन हुआ है। हमारे रिटायर्ड DSP साहब संरक्षक बने, उसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वगैरह सारी चीज़ें गठित हुई और आज हमारा जो है नीमच की टीम ने जो है बहुत जबरदस्त स्वागत किया है, उसके लिए मैं नीमच टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इसी प्रकार से हर जिले में जो है इकाई गठित हो रही है, पूरे मध्य प्रदेश में जो है अगले जो है 6 महीने में पूरे मध्य प्रदेश में 52 जिलों में जो है इकाई गठित होगी और इस प्रकार से हम लोग कार्य करेंगे। धन्यवाद। जो है मध्य प्रदेश पुलिस पेंशनर संघ जो नया संगठन निर्मित हुआ है, जिसके प्रांतीय अध्यक्ष श्री MP सिंह परिहार यहाँ आए थे, उनके मार्गदर्शन में यहाँ पर एक यहाँ का जिला कार्यकारिणी की गठित की गई है और भावी योजनाएं जो इस शासन पेंशनर संघ की हैं उनके बारे में विस्तृत रूपरेखा आप उनने प्रांतीय अध्यक्ष जी ने उनने प्रस्तुत की है और उनका हम लोगों ने प्रथम आगमन पर और ये यूनियन को संघ बनाने पर उनका और उनकी टीम का स्वागत किया है। और आगे जो भी पेंशनर्स के और पुलिस के वर्किंग है उसके अंदर जो दिक्कतें आती हैं उन सब में हम लोग उसका किस प्रकार से कार्य करना है उसके लिए एक रूपरेखा बनाई है। नीमच से मुश्ताक अली शाह के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।